Deixa eu dar um descansar pra hoje. Goleiro! Goleiro! Porco insato! Insato, insato! Porco insato! Porco! 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 Insato, insato! Porco insato! Porco! Mantero, mantero! Mantero, mantero! Porco! Mantero, mantero! Boledo! Insabdo, insabdo! Volvo, insabdo! Insabdo, insabdo! Shoeb Shekko! Riakaro! 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 Shoeb Shekko! Boledo! Volko! Boledo! Insabdo, insabdo! Boledo! Shoeb Shekko! Riakaro! शोएब शेख को रिहा करो साथ जो है हम यकजहती का इजहार करें अपने बॉडी की तरफ से, और क्योंकि इससे पहले भी गोल कीपर 14 महीने की एक सख्ती आई और उसमें भी हम समझते हैं इंसाफ नहीं किया गया। वजह यह है कि जितने कानूनी माहिरीन हैं वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर वो चार्ज डिग्रीज़ का चार्ज अगर साबित भी हो जाता तो 6 महीने सज़ा है, इससे ज़्यादा सज़ा नहीं है। लेकिन 14 महीने उनको सिलाखों के पीछे रखा गया, टॉर्चर किया गया, अजियतें दी गईं। 14 महीने के बाद जो है FIA ख़ुद इस बात पर इस नतीजे में पहुंची कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, और उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद ये केस अब दोबारा खुला है। हम समझते हैं केस ज़रूर खुले, इंसाफ होना चाहिए, आप इंसाफ दें। प्रोटेक्टिव बेल, जैसे कल के इत्तेजाज में भी मैंने कहा था, जितने कानूनी माहिरीन हैं सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि प्रोटेक्टिव बेल एक शख्स का बुनियादी हक है। उसके बाद कोई दूसरी जो बॉडी है या दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है वो उसको अगर डिनाई कर दे और पुलिस को या किसी भी अथॉरिटी को कहे उसको गिरफ्तार करें, वो कर सकती है। लेकिन प्रोटेक्टिव बेल जो है वो कभी भी किसी को डिनाई नहीं किया जाता और हमेशा प्रोटेक्टिव बेल दिया जाता है, उसके बाद वो कन्फर्मेशन लेते हैं। ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, किसी को भी हमेशा प्रोटेक्टिव बेल मिला है और उनको उन्होंने लिया है। लेकिन ये अजीब बात है कि प्रोटेक्टिव बेल आपने डिनाई किया और उनको जो है रिमांड पर दे दिया, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये असल बात यह है कि हम इंसाफ चाहते हैं। हम समझते हैं हमारे ख्याल में कि एग्जैक्ट एक बहाना है और बोल टीवी एक निशाना है। अब वो निशाने पर अगर है, अगर बोल टीवी बंद हो जाता है, आज हज़ारों कारकुनों का जो है वो रोज़गार उनसे वाबस्ता है। अगर वो बंद हो जाता है हर स्टेशन पर, क्वेटा, मैं समझता हूँ क्वेटा स्टेशन पे भी 40-45 लोग हैं, इसी तरह आप इस्लामाबाद और दूसरे देखिए हज़ारों कारकुन हैं हेड ऑफिस में या उसमें, तो बेरोज़गार हो जाएंगे। और मेन हम कहते हैं कि आप इंसाफ करें। अगर आपने इंसाफ नहीं किया, ये साजिश सेठ माफिया का एक साजिश है हम समझते हैं, और अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो फिर आप एक ऐसे चलता हुआ टीवी, एक चलते हुए ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि बहसियत कारकुन हम भी ट्रेड यूनियन में रहे हैं, हम समझते हैं कि टीवी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके आने चाहिए, जर्नलिस्ट को अच्छा रोज़गार मिले, वो कहीं अच्छे से खूबतर की तलाश में बिल्कुल जर्नलिस्ट होता है, वो किसी अगर अपने और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करता, लेकिन अगर उसको कहीं जहाँ वो है उसको कब के क्वेटा में देख लें या पाकिस्तान के दूसरे से अखबारों में क्या तनख्वाहें हैं, टीवी में क्या तनख्वाहें हैं, और अच्छे अदारे आने चाहिए, जितने अच्छे अदारे आएंगे कंपटीशन बढ़ेगी। और के खिलाफ वो तमाम अमन अनासर इकट्ठे हो गए हैं जो ये नहीं चाहते कि मुल्क में अखबारी कारकुन जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो मुतालिक कारकुन हैं, वो ज़्यादा बेहतर मुआवजे हासिल कर सकें, बेहतर सहूलतें हासिल कर सकें। बोल वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने जब अपना चैनल लॉन्च किया तो आपने देखा कि उन्होंने कारकुनों के लिए जहां उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा रखी वहां उनको
بہت زیادہ سہولتیں بھی فراہم تھیں اور یہ دوسرے چینلز کے لیے ایک چیلنج تھا کیونکہ یہ ایک روایت اس نے ڈالی تھی کہ جو لوگ کام کرتے ہیں, جو چینلز میں کام کرتے ہیں, جو اخبارات میں کام کرتے ہیں, انہی کی وجہ سے وہ چینلز چلتے ہیں, انہی کی وجہ سے وہ اخبارات چلتے ہیں, تو ان کو تو بول کو بند کرنے کے لیے, بول کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا. نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر چھپوائی جس کے بارے میں سب کو پتہ چلا کہ وہ خبر پلانٹڈ تھی, چھاپی گئی ہے وہ خبر, اور اس کی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ پہلے بول کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس کے مالک جو ہیں شعیب, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, جس طرح وہ 17-18 مہینے جیل میں رہے, ان کے ساتھی جیل میں رہے.